हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। क्योंकि अब गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है, ये दोपहर का लंच बना रही हूँ मैं। सब्जी में बना रही हूँ आलू और प्याज की, हरे पत्ते वाली जो प्याज होती है उसकी सब्जी, तो ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो इधर सब्जी छौंक दिया है और दाल भी फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बहुत ज़रूरी बातें करनी है। आप लोग टाइटल देख कर ही समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा प्लीज़, और वीडियो फुल देखिएगा, एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो अभी मिलती हूँ आप लोगों से। बस हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर के बारे में बात करने वाली हूँ, क्या कहूँ मैं, उनका नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ लेकिन लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ फ्रेंड्स। मैं दो चार ऐसे बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और यकीन मानिए मैं उन्हीं सब की वीडियो देखने की वजह से मैं भी अपना चैनल क्रिएट कर पाई हूँ। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी चैनल बनाऊँ और उनके तरह अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस यही, और मैं उनकी हर एक वीडियो देखती हूँ जब से, मतलब उनके बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो लोग, तब से मैं उनके वीडियो देख रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सबसे हेल्प मांग मांग के थक चुकी हूँ, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इतने में मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, आप ही लोग बताइए। मैं राधिका जी का वीडियो देखी, सारा वीडियो देखी, आप लोग तो जानते होंगे राधिका जी को, उनसे भी हेल्प मांगा, वो भी नहीं कोई रिप्लाई कर रही है। थक चुकी हूँ हेल्प मांग मांग कर, लेकिन कोई भी हेल्प करने के नाम पर कोई भी आगे नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। इसमें हमारी क्या गलती है, आप लोग बताइए। इतना अच्छा खासा वीडियो बनाती हूँ लेकिन फिर भी कोई देखने के लिए राजी नहीं है, आखिर क्यों? बड़े यूट्यूबर लोग का वीडियो क्यों इतनी जल्दी वायरल हो जाता है, क्यों इतने सब लोग सपोर्ट करते, हम लोगों की वीडियो में क्या कमी रहती है आखिर, आप लोग बताइए। हम लोग क्या मेहनत नहीं करते हैं? हम लोग का हक नहीं है आगे बढ़ने का? अगर वो लोग मेरी हेल्प नहीं कर रही हैं तो प्लीज़, मैं आप लोगों की बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, और आप लोगों का हक बनता है कि अपनी क्या, कोई भी सब्सक्राइबर अगर आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप सबका हक बनता है उनका हेल्प करना। आप लोग कर सकती हैं लेकिन नहीं, क्यों करेंगी हेल्प, कोई नहीं कर सकता है हेल्प। अगर अच्छे अच्छे कमेंट करो तो अच्छे अच्छे रिप्लाई मिलती है, अगर हेल्प नाम की चीज मांगो तो हार्ट दे के छोड़ देती है। क्यों देती है हार्ट? नहीं चाहिए आप लोगों का हार्ट मुझे, क्या
क्या करूंगी हार लेके। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को है कि ये भी कुछ कर सकती है तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करिए ना, ताकि हम लोग भी आगे जाए, हम लोगों की भी करने को कुछ मिले। बहुत ज्यादा परेशान हूँ सब लोगों से हेल्प मांग मांग के। अगर किसी के वीडियो में जाके कमेंट करो हेल्प मांगो, तो वहां दूसरे दूसरे लोग कहते हैं क्यों हेल्प मांग रही हो, क्यों हेल्प मांग रही हो, मेहनत करो। क्या मेहनत नहीं करते हैं हम लोग? हम लोग वैसे ही वीडियो बना लेते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ये बताती हूँ। और चाहे छोटा हो या बड़ा हो यूट्यूबर, हमेशा मेहनत करता है। लेकिन हम लोगों को क्या मिलता है मेहनत करके? कुछ भी तो नहीं। क्या करें, चैनल बंद कर दें या यूट्यूब पर वीडियो देखना बंद कर दें? इतना मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। दिमाग खराब होके रख दिया है सब लोगों ने। किसी का वीडियो देखो तो अच्छे अच्छे कमेंट करो, अगर किसी का वीडियो में देख करके हेल्प मांगो तो वहां दूसरे दूसरे लोग कहते हैं क्यों हेल्प मांग रही हो, बार बार वही रिप्लाई कर रही हो, हेल्प क्यों मांगती हो? क्यों हेल्प ना मांगे बताइए आप? बिना हेल्प के कोई आगे जा सकता है? हम लोग उनके वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों इतना तकलीफ हो रहा है मुझे बताइए? हम लोग आपसे हेल्प मांग रहे हैं। जिससे हेल्प मांग रहे हैं वो नहीं कह रहा कि आप मुझसे हेल्प मत मांगिए। आप लोग कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? किसी को सिर पे बिठा दोगे, किसी की थोड़ी सी भी गैरत नहीं है आप लोगों को? अरे हम लोगों को भी एक चांस मिलना चाहिए। क्यों हम लोगों का हक नहीं है आगे बढ़ने का? आप लोग उन्हीं की वीडियो देखते हो, हम लोगों की वीडियो अच्छी नहीं होती है क्या? हम लोग इंसान नहीं है क्या? अरे कोई YouTube पे आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक ही वजह से आते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है, मजबूरी से आते हैं। अरे आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हो, आप लोग देखिए उनके वीडियो, अच्छे लगे तो उनकी भी हेल्प करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये इसकी जरूरत है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो आप लोगों को हक बनता है करने के लिए, आप लोग कर सकते हो। लेकिन नहीं क्यों करोगे भाई? आप लोगों तो बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखना है, छोटे यूट्यूबर को क्यों देखोगे? क्यों देखोगे? एक लेडीज ने मुझे अभी 2-4 दिन पहले ही, मैंने उनसे हेल्प थोड़ी मांगा था, मैंने यही कहा था कि बड़े बड़े यूट्यूबर कोई किसी का हेल्प नहीं करता है, मैं यहाँ यूट्यूब पे आके फंस गई हूँ। मेरा तो मन करता है चैनल बंद ही कर दूं, लेकिन क्या करूं, इतना मेहनत करके चैनल बंद करने को भी मन नहीं करता। एक लेडीज ने, मैंने एक वीडियो बनाया उनसे क्या, मैंने सबसे हेल्प मांगी कि आप लोग ही मेरी हेल्प करिए, छोटे यूट्यूबर हो या बड़े यूट्यूबर हो, कोई भी हो, थोड़ा सा हेल्प करिए। हर किसी को हेल्प करना चाहिए, अगर भगवान ने हमें वह लायक बना दिया है तो हेल्प करने से हमारा क्या जाएगा? अगर हमारी वजह से किसी की जिंदगी बन जाती है, थोड़ी सी उसकी अच्छी हो जाती है, चैनल ग्रो कर देता है, तो इससे अच्छा खुशी हमें क्या मिल सकता है? तो मैडम क्या बोलती हैं आप लोगों को पता है? आप भी प्रियंका यूट्यूबर की तरह मिसकैरेज का ड्रामा करो। क्या मैं ड्रामेबाज दिखती हूं आपको? ऑलरेडी मेरे पास 3 बच्चे हैं, मुझे मिसकैरेज का ड्रामा क्यों करना है? नहीं चाहिए मुझे ऐसी धन दौलत, ऐसा सपोर्ट जो मैं ड्रामा करके पाऊं। हाँ मैं हेल्प मांगती हूं, अगर कोई किसी का हेल्प करेगा, मैं बहुत लोगों से हेल्प मांगती हूं, हो सकता है उनमें से कोई भी हेल्प कर दे। जैसे मैं रश्मि शर्मा जी से हेल्प मांगती हूँ, राधिका जी से हेल्प मांगती हूँ, प्रियंका जी से भी हेल्प मांगती हूँ, प्रिया जी से भी हेल्प मांगती हूँ, ऐसे बहुत सारे आयान मॉम्स के से भी हेल्प मांगती हूँ। उन्होंने एक बार मेरा कमेंट पिन भी किया, आयान मॉम्स थैंक यू, लेकिन मुझे उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैं ड्रामेबाज नहीं हूं, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे कमेंट मत कीजिए, बुरा लगता है,
ड्रामेबाज नहीं है कोई यहाँ पे। कोई कहता है मिस कैरेज का ड्रामा करो, कोई कहता है मिस कैरेज की वजह से वो आगे बढ़ी हैं, उनकी बहन प्रीति वो अपने रोके की वजह से ड्रामा करके आगे बढ़ी हैं। तो पता नहीं वो लोग ड्रामा किए हैं या रियल किए हैं, मुझे क्या पता। मैं तो केवल उनकी वीडियो देखती हूँ, अच्छी लगती है, लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, चली आती हूँ वहाँ से, थोड़ा सा हेल्प मांगती हूँ। हो सकता है किसी दिन ना किसी दिन हेल्प कर दे इनमें से कोई ना कोई, अगर थोड़ी सी भी उनकी मेरे लिए होगी प्यार तो जरूर मुझे हेल्प करेंगे, मुझे पता है। लेकिन आप लोग ऐसा मत कहिए कि ड्रामा करिए, हम लोग ड्रामा करने नहीं आते हैं यूट्यूब पे, ड्रामेबाज नहीं है। मैंने उनसे बात, तो फ्रेंड्स मैंने उनसे बात किया तो पता है वो क्या बोलती है, मैंने आपको नहीं कहा है, मैंने उनको कहा है, उनकी फैमिली को कहा है, वो ड्रामेबाज है, वो उनकी फैमिली ड्रामेबाज है, ड्रामा करती है। तो मुझसे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई ड्रामा करे या ना करे, मुझे अपने से मतलब है। और मुझसे जितने भी जुड़े हैं मैं सबसे कह रही हूं कि अगर मुझे माता रानी वह लायक बना दी, वहां तक मैं पहुंची, तो आई प्रॉमिस, मैं सबसे वादा करती हूँ मैं सबका सपोर्ट करूंगी, चाहे वो मुझसे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। मुझसे अगर हेल्प बनता है तो मैं करूंगी, इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बन जाती है, अच्छी खासी हो जाती है, तो मैं हर किसी की हेल्प करूंगी और करके दिखाऊंगी। बस यही कहना था आप लोगों से। तो प्लीज आप लोग मुझे उस लायक बनाइए कि मैं भी सबका सपोर्ट कर सकूं। आज मैं किसी से सपोर्ट मांग रही हूं तो कोई मुझसे भी मांगेगा और मैं भी उसकी हेल्प करूंगी, बस यही कहना था। और कोई किसी से अगर हेल्प मांगता है तो उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हर किसी को सपोर्ट की जरूरत है यहाँ पे, यकीन मानिए यहाँ पर हर किसी को सपोर्ट की जरूरत है, मुझे भी है, इसलिए मैं मांग रही हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो मेरी फीलिंग को। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर जाने अनजाने में मैंने किसी को कुछ कह भी दिया हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और मैं यहाँ किसी की नाम लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, बस यही कहना था। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं भी आगे जाऊँ प्लीज़, क्योंकि मैं यहाँ आके बहुत परेशान हूँ फ्रेंड्स। मैं अपने फैमिली वालों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ चैनल जल्दी से ग्रो कर दे, मानती हूँ थोड़ा टाइम लगता है, मैंने भी बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम दे रही हूँ, इसलिए चैनल भी नहीं बंद करने को मन कर रहा है, क्या करूँ आप ही लोग बताइए। अगर आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं भी आप लोगों की हर तरीके से हेल्प करूंगी, ये मेरा वादा है, बस यही कहना था। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी वॉच टाइम पूरा हो, चैनल ग्रो करे, मोनो हो, मैं भी कुछ करके दिखाऊं आप लोगों को और हर तरीके से सबका सपोर्ट करूं फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड, और कुछ नहीं कहना है आप लोगों से, बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे देते रहिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।